हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं तैयार करूंगा एक छोटा सा कॉम्पैक्ट साइज के अंदर एक ड्रिल मशीन। और ये जो ड्रिल मशीन, ये हम डीसी पे चलाएंगे, मतलब डीसी 12 वोल्ट या 24 वोल्ट पे इसे हम चलाएंगे। और ये जो ड्रिल मशीन होगा, छोटा साइज के अंदर बहुत ही पावरफुल होगा और इसको हम जहाँ मर्जी हवा पे लेके जा सकते हैं, मतलब हमारा इतना छोटा साइज के अंदर होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने दो पीवीसी पाइप को काट कर लिया। तो एक का साइज है 16 सेंटीमीटर और एक का साइज है 11 सेंटीमीटर। और इस पाइप को मैंने कार्प डिजाइन में काट कर लिया। और ये हमारा 775 डीसी मोटर, तो इसको मैंने इसके अंदर लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा लूज हो रहा है। तो इसके लिए मैं इस पीवीसी पाइप का यूज़ करूँगा। तो बहुत ही अच्छी तरीके से फिटिंग हो रहा है और इसको मैंने इस पीवीसी पाइप के अंदर अच्छी तरीके से सेटिंग कर दूंगा। देखिए, सेटिंग करने के बाद कुछ इस तरीके से लग रहा है। अभी 775 मोटर के साथ मैंने वायर का कनेक्शन कर लेंगे। अभी 775 मोटर को मैंने इस पीवीसी पाइप के अंदर इंस्टेंट ग्लू से अच्छी तरीके से फिट कर दूंगा। आपने इस पीवीसी पाइप के शेप में तीन पीस सीट काट कर लेंगे राउंड शेप में। तो देखिए, मैंने कुछ इस तरीके से काट कर लिया। तो अभी मैंने इसको इसके साथ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे, लेकिन बाद में, उससे पहले मैं इस पीवीसी पाइप के अंदर थोड़ा सा एक छेद कर लेंगे हमारा ये वायर निकालने के लिए। तो मैं इसके अंदर से हमारा 775 मोटर का वायर निकाल लेंगे। तो अभी मैंने कुछ स्विच ले लिया। तो ये हमारा वन ऑफ स्विच, ये हमारा 6 पिन वाला स्विच। तो स्विच लगाने के लिए मैं कुछ होल कर लूँगा। तो देखिए, अच्छी तरीके से फिटिंग हो रहा है। और इस 6 पिन वाला स्विच को मैं यहाँ पर कनेक्ट करूँगा। और ये हमारा 12 वोल्ट का एक फीमेल कनेक्टर। तो फीमेल कनेक्टर को मैंने इस पीवीसी सेट के अंदर अच्छी तरीके से लगा लूँगा। अब इसके साथ मैंने वायर को कनेक्ट कर दूँगा। अभी इस वायर को मैंने बीच में से काट कर दूंगा और यहाँ पे हमारा स्विच का कनेक्शन कर लूंगा। देखिए, मैंने कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया दोनों स्विच को एक साथ, यहाँ वन ऑफ करने के लिए और एक पुश स्विच। और यहाँ हमारे 6 पिन स्विच के साथ कुछ इस तरीके से कनेक्ट करूँगा। देखिए, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। तो इसका मतलब यही है, जो हमारा डीसी मोटर है वो फॉरवर्ड या बैकवर्ड में घूमने के लिए। अब मैंने दो छेद कर लिया। तो इसके साथ मैं स्क्रू की मदद से अच्छी तरीके से और दो राउंड शेप में मैंने पीवीसी पाइप को काट कर लिया। तो इसको इसके अंदर लगा दूंगा इंस्टेंट ग्लू से और इसके ऊपर का हिस्सा लगा लूंगा। इसका देने का मतलब यही, एक ही एक मतलब है, मतलब हमारा जो पीवीसी शीट है वो अंदर ना चला जाए, इसीलिए मैंने इसके अंदर एक छोटा सा पीवीसी पाइप का राउंड शेप में उसे दे दिया। इसका इस तरफ भी इसी तरह से मैं लगा दूंगा। तो अभी मैंने एक ड्रिल चाक ले लिया। तो देखिए, ये हमारा ड्रिल चाक और इसका कनेक्टर और इसके अंदर ये हमारा एलांगी, इसे टाइट करने के लिए एक साथ ये एलांगी। तो इस एलांगी को मैंने 775 मोटर के साथ अच्छी तरीके से लगा दूंगा।
इस एलांकी से मैं अच्छे तरीके से इसका दोनों तरफ टाइट कर दूंगा। अभी इसका ऊपर का हिस्सा लगा लेंगे इंस्टेंट ग्लू देके। और अभी मैं इस ड्रिल चक को इसके अंदर लगा लूंगा। तो हमारा ड्रिल मशीन तैयार है। चलिए अभी से 12 वोल्ट पावर साले से पावर देके देखते हैं। और इसको बैकवर्ड करने के लिए मतलब उल्टा घूमेगा और इसे सीधा घूमेगा और इसके अंदर एक हमारा पुश स्विच और एक वन अप करने के लिए। और इसके अंदर अभी इसको लगा के डील करके दिखाऊंगा ये कितना पावरफुल है। देखिए कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो अभी इसके अंदर हम डील बीट लगा के दिखाएंगे कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है देखने के लिए। तो हम इस लकड़ी के ऊपर छेद करके दिखाएंगे।